मूर्खं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं धीमतारणं कृपया क्षमतां अपराधिजनं कलुषायुतसत्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देव पदं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कंत नमस्तुते। नमस्ते तुहल ग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्त वत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणी धरा प्रलंबारे नमस्ते तु त्राही मां कृष्ण पूर्वज। वृंदाये तुलसी दिव्य प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की अभिलाषा करता हूँ।
परम पूजनीय गुरुवर्गों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय वैष्णव का यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। प्रभुपाद जी के जो पार्षद है उनका ऊपर ग्रंथ है, नीचे रेड कलर का जो विहाय विषयोन्मुख्यं निजानन्दस्थितिर्यत आत्मानः कथ्यते सोऽत्र स्वभावः समायत्ययसो प्रायः शमप्रधानानां ममता गंधवर्जिता परमात्मतया कृष्णे जाता शांति रतिर्मता। यहां पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री चैतन्य शिक्षामृत लिखा है, जिसमें द्वादश रसों की बात हुई है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर स्वभाव। ये अपने भाव हैं, अर्थात आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा की वृत्ति है, आत्मा की प्रवृत्ति है। आत्मा इन्हीं में से किसी एक भाव में प्रवृत्त होती है, जुड़ती है। किन में से? किन में से भाव में, एक भाव में जुड़ती है? क्या बोला मैंने? ठीक है ना। उसके बाद में यही जो स्वभाव है ये भगवत सेवा में जब जुड़ते हैं तब ये रति प्राप्त करते, जिसको शांत रति, दास्य रखी रति, सख्य रति, वात्सल्य रति, कांत और मधुर रति, जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं। मुख्यस्तु पंचधा शांतः प्रीति, शांतः प्रीत प्रियांश्च वत्सलः मधुरश्चेत्यमयी गेया यथा पूर्वम अनुत्तमम। ये रति है। इनके अंदर में छह प्रकार की और गौण सामग्री होती है इन रसों का वर्धन करने के लिए। भगवान के प्रति जो दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर है, इसमें छह प्रकार का और रसों का मिश्रण होता है। ऐसे तो नींबू पानी है,
लेकिन नींबू पानी में थोड़ा सा पिपरमेंट डाल दें, थोड़ा सा पिपरमेंट डाल दें तो उसका कैसा हो जाएगा? चलो पिपरमेंट नहीं डाल, थोड़ा पुदीना डाल दें नींबू पानी में, कैसा हो जाएगा? थोड़ा रस बदल जाएगा लेकिन कहलाएगा नींबू पानी। इसी प्रकार से पांच मुख्य और सात गौण रस है, तो इसीलिए यहां कहते हैं जो सात गौण रस हैं वो क्या क्या हैं। विभावोत्कर्षजो भाव विशेषो य अनुगृह्यते संकुच्चयन्तया स्वयं रत्या सगौणी रति उच्यते। हासो विषमया उत्साह शोकः क्रोधो भयं तथा युजुप्सा चित्तसो भावः विशेषो सप्तधोदितः। हास्य अद्भुत तथा वीर करुणो रुद्र इत्यपि भयानक स विभत्स इति गौणश्च सप्तधा। सात प्रकार के भाव गौण है। हास्य शांत दास से साख्य वात्सल्य सब में हास्य है। अद्भुत विस्मयकारी अद्भुत, अरे गजब कर दई तैने तो लाला, सब में वीर वाह कमाल है, क्या तैने आज पटक दियो भाई। जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, कृष्ण बिल्कुल छोटे से हैं, नंद बाबा ने कहा लाला ने मेरी पादुका लिया ही हो, कृष्ण पादुका को बड़ी कोशिश करके ऐसे करके उसको उठाते हैं, बड़ा जोर लगा के छाती पे लगा लेते हैं। अब छाती पे लगा के बड़ा मतलब खुश होते कि अब मैंने उठा ली पादुका, जोर लगा रहे और उठा करके जैसे सिर पे लेके आते नंद बाबा ढुल जाते, अरे तू लाला रे, अरे गजब कर देता है ना, बड़ो बहुत ताकतवर है तू, बड़ो उत्साह देते भगवान को। करुण बड़ा ही भगवान के प्रेम में कारुण्यता का भाव, करुण भाव, एक प्रकाश प्रकार से दुख, अत्यंत दुख भगवान के विरह में, भगवान के बिछुओं में शांत दास सखा के वात्सल्य सबको होती है। रुद्र क्रोध, मैया कान पे दे रही, सखा दे रहे, दास भी दे रहे, ले लो। हनुमान जी कभी सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण पे शासन हो सकता है। मैया ने बोले अय चित्रक या नहा देने, नहा दे, मैं ना आऊंगा, ना आएगा, जा पकड़ गया, लेकिन लेकिन जबरदस्ती उसको ले, चल चल मैं ना आऊंगा, देख उसको कृष्ण जो है उसको प्रलोभन दे रहा है, किसको, दास को, देख तू ना अम मैया तो कह दे मैंने नहवाए दी, मैं तो माखन दूंगा, माखन जो मोए मिले मेरी वाली गैया को माखन मैं तोय दूंगा। अच्छा तू देखो, हाँ देखो पहले मोए माखन दे तब ना नहाऊंगा, भैया पहले मैं माखन दे जब मैं खाऊंगा जब नहाऊंगा। सेवक जाता है, भैया वो कह रहा है जब तक माखन नहीं देगा तब तक नहाएगा नहीं, ले ले जावा कह दे, लेके गए कृष्ण को, दास कहता है तू खा, कहता ना तेरे ही काजे लाए, अरे पहले तू तो खा ले, नहीं तो मैया कहेगी खाए मैं तो झूठ बोलूंगा ना। अच्छा खा लियो, मैंने खा लिया अब तू ले ले, तो जो दास है वो भी खा लेता, खा के कहता चल अब नहा। कहते तैने तुम होते कही तुम वो ना नहावे वो, जब मैंने तो माखन दे दियो, मैया मेरा माखन खाएगो सबरो, कौन खाएगो, जी दे चित्रक खाएगो, चित्रक देख रो
मैया आई, यार क्यों रे तैने माखन खायो, मैया यहाँ ने खिलायो जबरदस्ती। कैसे खिलाए दिया जाने जबरदस्ती, तू तू बड़ो है तो समझना आवे बच्चे के, बच्चे का माखन ना खाना चाहिए। मैया मैं ना नहा रहा, अब मेरे माखन खाएगा। अच्छा तू ऑल ले ले। तो ऑल कृष्ण को माखन देती है मैया, अब नहा इसको। अब उसको गुस्सा आ जाता है चित्रक को, अब तू बेटा नहाएगो, अब तो नहाना ही पड़ेगा। जैसे पानी मरगो मरगो, मैं तातो पानी है, गर्म पानी है, ये ठंडा करता, ठंडी लग रही मुझे। तो कान पकड़ के सेवक भी जबरदस्ती करते हैं, जिस मधुरता में रुद्र दिखलाते हैं, रुद्र रति, क्रोध वाली रति, प्रेम तो है ही लेकिन क्रोध उसमें नहीं। दास भी, सखा भी, मैया भी, गोपी भी, सभी गुस्सा हो रहे हैं। बताओ ये भी कैसी रहती है, भगवान पे ही सब जो कुछ कर रहे भगवान पे ही कर रहे। भगवान ने गुस्सा दिखा दे तो फिर सब हवा कुछ कर, है कहाँ चलोगे, है हमें छोड़ के चलोगे, सभी फिर परेशान आ जाए। यही इसीलिए तो भगवान जो है ना छोड़ देते, जा दुखी कर रखा तुम लोगों ने मेरे को, जब छोड़ देते तब रोते रहते सब लोग। चाहे वो गोपियों को ले लो, चाहे मैया को ले लो, चाहे सखाओं को ले लो, चाहे दासों को ले लो, चाहे ब्रजरज को ले लो, चाहे यमुना जी को ले लो, चाहे पेड़ों को ले लो, सारे रोते रहते, वैसे सिर पे चले रहते जब देखो। और जब कन्हैया छोड़ते हैं, भाई तो बहुत है गो तुम्हारो, बहुत कर लिए तुम्हारे संग में प्रेम, हटो। थोड़ी देर के लिए इधर उधर होते, क्षण क्या है, युग सम सुन है, शून्य धरातल चौदह ना क्या है वो, युगायितम निमेशेन चक्षुषा प्रावृषयतम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरेणम। शून्य धरातल चौदह के देखी परान उदास है, की करी स्थिर नाही है, जीवन नाही कर रहे। ब्रजवासीगण मोर प्राण राखो, देखाओ श्री राधानाथ कहाँ है, राधानाथ सारे पागल हो जाते। ऐसे तू मान ना रहो, देख ले तो कह रहा हूं, हर कोई बेचारे को है, हमारो सोचने वाली बात है भैया, छोटो सो है, सब ही उसके ऊपर चढ़े रहते। ये रति है भगवान के प्रति, प्रेम है, जिस प्रेम के अधीन है कृष्ण। और अधीनता में जब भगवान भी अधीर हो जाते हैं, अधीनता में अधीर हो जाते हैं भगवान का भी धैर्य टूट जाता है, तब भगवान विचित्र लीला करते हैं। और ऐसी वो लीला करते हैं जिसमें सारे के सारे शोक निमग्न हो जाते हैं, अर्थात करुण अवस्था में चले जाते हैं। उसके बाद है भयरति, भयानक, ये भी ब्रज में भी है। ये ऐसा नहीं है कि उसकी को भयानक दिखलाया भगवान ने, जो वहां के थे ना कंस के जो दो पहलवान थे, चानक मुष्टिक चानूर, कोई दोनों को भयानक रूप दिखाया ऐसा नहीं, विभत्स रूप उन्हीं को दिखाया ऐसा नहीं, ब्रज में भी है ऐसा। भगवान भय से भय दिखला करके गोपियां उनसे प्रेम करती, लाला देख ले अब तू मोए आके अगर ना चूमेगो ना, देख लियो मैं मैया ते कह दूंगी, तू जो है आए के कैसे कैसे तैने उत्पात किए, तैने मेरे लत्ता जो है कपड़ा तेरे बंदरन को दे दिए, अब तू ना मोए चूमेगो ना तो देखियो मैं कहूंगी तेरी अम्मा। हम कृष्णा के चूमते भय रति, भगवान को भय दिखा के उनसे रति रखते हैं। क्या क्या लीला है, कहां तक बोलेंगे। विभत्स जुगुप्सा रति, ये विभत्स जो है ये जब कोई असुर आ जाता है ब्रज के अंदर तो ये बड़ी विभत्स रति है, सब लोग भयभीत और अलग तरीके से, हाय ये क्या आ गया, मेरो लाल कहाँ गो कहाँ। इसमें भी कृष्ण के प्रति रति, मतलब कहने का ये कि पांचों मुख्य रस सातों गौण रसों के साथ में द्वादश रसों से भगवान की उपासना करते हैं।
ये रति केवल मात्र गोलोक धाम वृंदावन में ही है, बाकी जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहां पे छाया स्वरूप से। छाया स्वरूप का मतलब, जैसे छाया स्वरूप का मतलब जैसे कोई मूवी बनती है, मूवी बनने के बाद जो हमारे सामने आती तो हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं, उसमें करुण होता, भाव, ये सब कुछ होता ना, नाटक नोटक सब, रोना धोना, गाने गुने सुन करके ऐसे होता है, तो वो रेडीमेड आया। लेकिन जो रेडीमेड नहीं आता, रॉ मटेरियल होता है। सर यहाँ से आपने हाथ उठाना है सर, वो बोल रहा है डायरेक्टर, कितना, इतना नहीं सर और थोड़ा, तो वहां पे कोई रस नहीं दिखलाई देता। बात समझ रहे हैं, वहां कोई रस नहीं दिखलाई देता, वहां पर एक अभिनय है। तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें कहीं कहीं कृष्ण की झलकियां, कृष्ण की लीलाओं का अभिनय होता है कि कृष्ण ने योग माया देवी जो है उनको लीला कराने के लिए, कृष्ण लीला करने के लिए ब्रह्मा के एक दिन में कितनी बार आती है कृष्ण द्वापर युग, ब्रह्मा के एक दिन में 28 द्वापर, कितने बार द्वापर युग आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, दोबारा से याद करो, 1000 बार, ठीक है, 999 बार कौन आता है, विष्णु। कौन से विष्णु आते हैं कोई गारंटी नहीं, कोई भी आ सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ाया गया जितना हम लोग रख सकें दिमाग में। बामन भगवान भी विष्णु हैं, बामन वैकुंठ से वो भी किसी किसी समय में आते हैं, भगवान जैसी अभिनय लीला करते हैं। सदाशिव भी आए हैं एक बार, उन्होंने भी लीला की है, समझे नहीं। पुराणों में अलग अलग, पुराणों में अलग अलग कल्पों का वर्णन है। तो हर द्वापर युग में श्री कृष्ण को आना ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की उस लीला का, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हुई है, उस लीला का रसास्वादन करते हैं, समझे नहीं। कौन, अन्य अन्य भगवत विष्णु अवतार वो सब आते हैं, लेकिन आने पर भी वह जो भगवान लीला करते हैं उसका अभिनय पूरा करने की कोशिश तो करते हैं। सर इतना उठा था, योग माया बोलती इतना, अच्छा इतना ले, मजा वो नहीं आता। जितने भी उनके दास हैं वो विष्णु भगवान को रस देने के लिए, कृष्ण की रस माधुरी का वर्धन करने के लिए वही चित्रक पत्र इत्यादि का अभिनय करते हैं, मगर फिर भी डरते, भगवान है वहां, रति है वहां, ये पांचों के पांचों रस, गौण रस, द्वादश रस हैं, लेकिन इसमें हंसी भी डुप्लीकेट थोड़ा सा, मतलब उसमें संकुचन है। कई बार ऐसा सुनने में आता है, गोस्वामी गणों ने बोला है, वैकुंठ इत्यादि में मधुर रस नहीं है, ऐसा बोला, लेकिन है, ऐसा नहीं है नहीं है, है। वहां कैसा अभिनय जैसा है, वहां पर रॉ मटेरियल की तरह है, वहां बिल्कुल रेडीमेड नहीं है, नेचुरल नहीं है। यहां तक कि इंद्र स्वर्ग में, वर्णन है ये कृष्ण के विषय में, जब श्री कृष्ण महारास कर रहे हैं तो वहां वर्णन किया है कि श्री कृष्ण ऐसे ही महारास में नृत्य कर रहे हैं मानो जैसे इंद्र अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। क्या उदाहरण क्या दिया इंद्र का, समझे नहीं, वर्णन है ऐसा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां रासलीलाएं नहीं होती, रासलीला नृत्य, रस आनंद लीला, तो कहने का अभिप्राय। आप देखो भगवान कृष्ण नहीं है तो भी ये जो ब्रजवासी रासलीला नहीं करते,
डांडिया तो करते हैं, इसके अलावा रासलीला तो घर घर हो रही है, जो ब्रजवासी लोग बन बन के रासलीला करने जाते हैं गांव गांव, होता नहीं? अभिनय कर रहे हैं ना, क्या कृष्ण की तरह कर सकते? जब एक मनुष्य करने की कोशिश करता है, देवता बन करने की कोशिश करते हैं, भगवान क्यों नहीं करेंगे? विष्णु, उनको हमने लगा दिया नहीं ये नहीं कर सकते, ये गलत है, वो भी करते हैं। कृष्ण लीला होने से वो भी जो अपनी लक्ष्मी जी की जो अन्य शक्तियां हैं उनके साथ में, वो भी उस प्रकार की लीला करते हैं। अब उस लीला में सिर्फ अंतर ये होता है, कृष्ण का ये स्वाभाविक है, कृष्ण की ये लीला लीला नहीं है, कृष्ण का ये स्वाभाविक एक, अब शब्द और कोई हमारे पास नहीं है, लीला शब्द प्रयोग करना पड़ता है, कृष्ण का ये स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक वृत्ति है, स्वाभाविक रति है, स्वाभाविक प्रेम है। लेकिन ये स्वाभाविक प्रेम स्वाभाविक रति अन्य भगवत तत्वों में नहीं है, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य प्रधान है। जहां भी वह वो मतलब अपने दास को अपने कंधे पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, दास कंधा दास कंधे पर चढ़ के कांपने लग जाता है, प्रभु प्रभु प्रभु, वो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे। करते हैं, योग माया कहती है चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, नो टेंशन, अटेंशन कि वो कृष्ण है। अच्छा, फिर ऊपर से खा के नहीं दे पाते बेचारे, लीजिए प्रभु। बात समझे नहीं, तो मधुरता के अंदर बड़ी ही विचित्रता कमी, इसलिए रूप गोस्वामी पादने वाला कि वहां नहीं है। ऐसे नहीं बोल दिया हमारे गुरुजनों ने, इसलिए बोला क्योंकि मेरे को किसी ने प्रश्न किया था रामानुज संप्रदाय से कि नारायण ने भी तो रास रची है, नारायण ने रास रची, तो उनका कहना था कि कृष्ण के रूप में। मैंने कहा हां, नारायण ने कृष्ण के रूप में रास रची। तो कहते फिर आप कृष्ण को ही श्रेष्ठ क्यों बोलते हो, कृष्ण ही सर्वेश्वरेश्वरेश्वर है ऐसा आप बोलते हो। मैंने बोला कृष्ण वो तो है, तो है, उनको बोलने की जरूरत क्या, वो तो है। तो कहते लेकिन फिर मतलब नारायण ही तो कृष्ण है, तो हाँ है, तो क्या कहना क्या चाहते हैं? कहते वो तो आप लोग बोलते हो आधा रस है अधूरा रस है, वो तो एक तत्व है। देखिए तत्व एक होने पर भी, तत्व एक होने पर भी नारायण स्वयं जब श्री कृष्ण आते हैं गर्ग संहिता के अनुसार क्यों उनमें प्रवेश कर जाते हैं बताओ? जब श्री कृष्ण आते हैं गोलोक धाम से करके ऐसे सारे अवतार उनमें चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं, इसलिए नाम कृष्ण है आकर्षक। और लेने के बाद में सबको आनंद भी देते, मतलब सब लोग भगवान में प्रवेश करके भगवान के लीला का योगदान करते हुए, लीला में रहते हुए भी जब अपनी लीला का समय आता है, बेचारे बेचारा शब्द नहीं बोलना चाहिए, अपनी लीला का समय आता है तो वह लीला को पुष्ट नहीं कर पाते। क्यों? राष्ट्रपति के आने से जो यहां का चौकीदार है, यहां का जो हमारा थानेदार है, यहां का जो SSP है, यहां का जो कोर्ट का वो मालिक है, यहाँ का जो आपका क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री है, DC कमिश्नर मुख्यमंत्री गवर्नर, जिस प्रकार से उनके आने से आते हैं आगे पीछे चलते हैं। अब गवर्नर आ जाए मान लो, क्या इतना उन तामझाम आएगा? गवर्नर खुद क्या राष्ट्रपति जैसा अपने आप को शो कर पाएगा? क्या गवर्नर के सामने एक और गवर्नर खड़ा होगा? मतलब सिंपल सी बात। इसी प्रकार जब स्वयं भगवान आते हैं तो सब अपनी एकदम छाती फुला के रहते हैं अगल बगल में, उनके अंदर ही सब भगवान के अवतार, और सब आनंद ले रहे होते, लेकिन एक भी ऐसा नहीं होता जो कि वो पूर्ण कृष्ण की तरह जो ना द्वारा जब अवतार होता द्वापर में उनकी तरह पूर्ण आनंद ले सके, नहीं ले पाते। इसीलिए हर रोज ब्रह्मा के, हर रोज ब्रह्मा के एक दिन में एक बार वो लोग भगवान में प्रवेश करके आनंद ग्रहण करते हैं, समझे? इसीलिए द्वादश प्रकार की जो रति है, इस रति की विशेषता यह है, ये कृष्ण के प्रति रत है, कृष्ण के प्रति
रथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रथ शब्द का अर्थ होता है जैसे इस कपड़े में ये सफरन कलर रत है, रस गया, अपनी सत्ता को उसमें कपड़े में मिला दिया, अब कपड़ा लाल दिखने लगा, समझे नहीं? आत्मसात। तो रत का मतलब ये होता है, रति का मतलब होता है कि अपना प्रेम कृष्ण में दे दिया, देने के बाद कृष्ण सर्वेश्वर होने पे भी भैया मैंने ना खायो, ये रति। अपना वात्सल्य भाव क्या किया प्रभु उस तरह पर, प्रभु जी तो कहाँ था मैं? देखिए आप इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रति शब्द का प्रयोग जो होता है उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है? रति शब्द का प्रयोग कैसे होता है? रति मतलब रच जाना, रत हो जाना, अपने आप की सत्ता को विलीन कर देना। ध्यान दीजिए शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं, अपनी सत्ता को विलीन कर देना, जिसमें विलीन करना वो अपने स्वरूप को भूल करके उस स्वरूप में आ जाए, वो अपने स्वरूप को भूल करके उस स्वरूप में आ जाए, ये अपने स्वरूप को समर्पण कर दे, ये है रति, इसको बोलते हैं रति। समझ आई कुछ? तुम्हें समझ आया? समझाओ चलो। जैसे कोई चीज है? चीज नहीं। अब आप यशोदा मैया को ले लीजिए, यशोदा मैया जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, वो माला ठाकुर जी कंठ में आते उसमें रची जाती है। ठीक, बहुत अच्छे, जहाँ तक आपने बोला अच्छा बोला, इसमें ध्यान देना। जैसे माँ यशोदा अगर कोई भी चीज़ दे रही है तो मेरा लाल इसको पहनेगा, लाल खाएगा, लाल अगर इसको ना ध्यान देगा तो बिगड़ जाएगा, लाल ध्यान ना दे रो, समझ रहे? तो ये रति है। अरे तू कैसा दिख रहा है, तेरे में भूत आएगा, ये सारे के सारे द्वादश रसों को देखिएगा इसमें है? क्रोध भी है, उत्साह, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत, चल 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 अटे उठ 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 दौड़ दौड़ दौड़, वीर, उत्साह देना, मतलब मैया यशोदा के द्वारा दिए गए उत्साह में कृष्ण दौड़ने के लिए बोलने पर ऐसा नहीं दौड़ते कि गायब हो जाए, समझे नहीं? ऐश्वर्य नहीं निकलाते वहां पे, माधुर्य, कैसा माधुर्य? वात्सल्य के अनुसार, मतलब माँ यशोदा का जो भाव है वो भाव भगवान में जब रत हो जाता है, रति प्राप्त करता है, भगवान भी अपने भाव को अपने स्वरूप को उसमें रचा देते हैं, जब तब जाके रति शब्द पूर्ण होता है, समझे? ये सब बातें लिखने वाले क्या बोले, कहते हैं वस्तुतः रति का मुख्य स्वभाव पांच प्रकार का ही है, मुख्य पांच प्रकार का, गौण जो है वो सात है, ठीक है, जिसमें से हास्य अद्भुत वीर करुण रुद्र भयानक विभत्स, हास्य अद्भुत वीर करुण, हास्य अद्भुत वीर करुण रुद्र भयानक विभत्स, यहां पर इसको थोड़ा खोल रहे हैं, हाँ पता ही नहीं है, वो घंटे तो दो घंटे हो गए उसको देखना,
ये उसके अंदर थोड़ी सी लीला है, वो जिधर जाता है ना उधर बाकी काम गायब हो जाता है। देख उधर अंदर, देख अंदर, देख क्या हो रहा है प्रभु, कहाँ हो, पागल हो क्या? साठ बजे से रसोई हो रखी है, तो सांप जो रस हैं वो गौण है वहां उसका। भक्ति विनोद ठाकुर जी जो अब वर्णन कर रहे हैं उसे हम थोड़ा पढ़ते हैं। हास्यादि सात गौण रसों के प्रत्येक रस में स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का मिलित क्रियागत आस्वादन देखा जाता है। स्थाई भाव सात गौण रसों के प्रत्येक रस में स्थाई भाव, विभाव विरुद्ध भाव, अनुभाव अनुसार भाव और संचारी भाव, किसी के द्वारा आया हुआ भाव मिलित होकर के वो क्रिया के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक तो स्थाई भाव, मान लो हास्य, हंस रहे हैं, ये स्थाई भाव है, हास्य भाव का, हास्य रस का। स्थाई भाव में विभाव, एक तरफ तो हंस रहा है, दूसरा उसके विरुद्ध भाव में है, हंस रहा दूसरा मेरे पे हंस रहा हो, हंसी तो आ रही है सामने वाले को, मुंह पे ही हंस रहा हो, विभाव। अनुभाव उसके अनुगत में, जो हंसी को पैदा करने वाला है उसकी हंसी दूसरे को देख करके हंसी का भाव उत्पन्न करने वाला है वो स्थाई भाव, मतलब वो हास्य रस है प्योर। विभाव मोई पे हंस रो, विभाव। अनुभाव उस भाव में, मतलब उस हास्य में जो जो उसके अनुगत सारे के सारे लोग हैं वो भी हंस रहे हैं, तो ही पे हंस रो, तो ही पे हंस रो, तो ही। फिर संचारी भाव, मतलब एक ही भाव के अंदर संचार का, संचारी भाव, ए ऐसे ना हंसे, अच्छा अच्छा ठीक है, अरे माफ कर दे मुझे, ये संचारी भाव, मतलब दूसरा संचार हुआ भाव, समझ लगे। कहते हैं इन भावों का मिलित क्रियागत आस्वादन देखा जाता है, इन सब का मिला हुआ आस्वादन देखा जाता है। जड़ रस विद अलंकारिक पंडितों ने उन्हें रस कहकर मुख्य रूप से वर्णन किया है, किंतु चित तत्व में ये सभी रस गौण रूप से प्रकाशमान है। जो जड़ रस विद हैं, मतलब संसार में जो संसार के रसों में पड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस हास्य रस को विशेष महत्व देके हास्य रस एक अलग ही कर दिया। जैसे कैसे अलग कर दिया, भगवान के, भगवान को हंसाने के लिए भांड होते ना, भांड, वो ढांढी ढांढन, ढांढी ढांढन क्या बोलते हैं उसको, वो जो आते हैं मांगने के लिए आते हैं ना, ढांढी ढांढन बोलते हैं उसको। जैसे कोई भी घर में उत्सव महोत्सव होता है तो नाचने के लिए आ जाते हैं, हिजड़े नहीं, वो किन्नर तो अलग ही हो गए, ब्याह शादी में आते हैं नाचने, मतलब वो पति पत्नी ही होते हैं, ढांढी ढांढन बोलते हैं हमारे यहाँ अपने ब्रज में, वो आ गए। ऐसे करके वो हास्य रस का एक अलग ही उनका वो है, हंसाने का, या वो अपना, आपको याद होगा जो ऐसे पहले पटका मारते थे, हाँ भाई कितों आया तू, आ की क्या तू, ओ क्या बोलते उसको, पांड, ओ ढांडी ढांडन। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जड़ रस विद अलंकारिक पंडितों ने इन्हें, ये जो सात रस हैं, उन्हें रस कहकर मुख्य रस के रूप में वर्णन किया है। लेकिन जो चिद तत्व
में जिनका अनुभव है, जो भगवान का जिन्हें अनुभव है, जो चिद तत्व में प्रतिष्ठित है, भगवान में जिनका प्रतिष्ठा है, वो लोग इसको गौण कहते हैं। साइड बाय साइड है, मुख्य तो पांच ही हैं। अब उन्होंने कैसे कह दिया, अब वो ढांडी ढांडन है जहाँ जो भी हैं नचाने के लिए हंसाने के लिए कृष्ण के साथ में आनंद ले रहे, उन्होंने जो बोला उनको इन्होंने कैसे ले लिया, हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि ने इन्होंने गौण में कैसे ले लिया। क्या इनका उनका कोई मुख्य रस नहीं है? उनका मुख्य रस है, दास्यता उनके अंदर है ही है, वो कृष्ण को हंसा रहे हैं तो दास्य भाव उनमें है ही है, ये मुख्य रस उनमें है ही है, समझे नहीं। और उसके अंदर उनका अनुभव जो हंसाने का खेल करने का जो है, वो जो भाव है वो है ही है, संचारी भाव वो है ही है, लेकिन मुख्य रूप से उनके अंदर दास्यता है ही है। दास्यता सब में ही मुख्य रूप से है, ये बात समझने वाली। तो पंडित लोगों ने जो कहा था उसको भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं चिद तत्व के जो ज्ञाता हैं, जानकार हैं, वह मुख्य रूप से उसके उसको वर्णन नहीं करते। कहते जड़ तत्व में उनकी प्रमुखता रहना स्वाभाविक है, संसार में इसको प्रमुख माना जा सकता है, किसको, अद्भुत विस्मयकारी जादूगर को, वाह इसका अलग ही चमत्कार है, वीर पहलवानों का रस, इसको मुख्य माना जा सकता है संसार के अंदर, किंतु नित्य धाम में यह मुख्य नहीं। श्री भक्तिरसामृत सिंधु ग्रंथ के दक्षिण और उत्तर विभाग में उनकी स्थिति और क्रिया की प्रचुर रूप से पर्यालोचना की गई है। भक्तिरसामृत सिंधु में दक्षिण और उत्तर विभाग में, पूर्वोत्तर दक्षिण उत्तर, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब आखिर, और दक्षिण मतलब बीच में और उत्तर मतलब आखिर में, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और आखिर, इसमें पश्चिम नहीं होता, और दक्षिण मतलब बीच में और आखिर में। भक्तिरसामृत सिंधु के बीच और आखिरी विभाग में उनकी स्थिति और क्रिया की प्रचुर रूप से आलोचना हुई। किनकी स्थिति और क्रिया की? सात गौण रसों की। कृष्ण भक्ति रस में उक्त सात प्रकार के गौण रस भी उपादेय हैं। कृष्ण भक्ति रस में जो ये सात रसों का वर्णन है, ये भी उपादेय हैं, अर्थात ये भी हमको परम आनंद अर्थात परम रस अर्थात हमारा परम प्राप्ति का एक साधन है। इसका भी ऐसा नहीं कि हाँ, क्योंकि वे कृष्ण लीला रस को पुष्ट करते हैं, कृष्ण लीला रस को पूर्ण नहीं पुष्ट 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 करते हैं। व्यभिचारी या संचारी भावों के अंतर्गत ही कृष्ण भक्ति रस में हास्य आदि सात रसों की गणना की गई है। व्यभिचारी या संचारी, पांचों रस जो मुख्य हैं, इनके अंदर संचारी भावों की तरह कोई बात हुई तब हंसने लगे, कोई बात हुई तो रोने लगे, कोई बात हुई तो डर गए, तो इन्हें संचारी भाव के रूप में सातों रसों को माना गया है। वे उपयुक्त काल में उदित होकर समुद्र की लहरों की तरह समुद्र के सौंदर्य की पुष्टि करते हैं, अंत में समुद्र में ही विलीन कर जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति
रस तत्व के अप्राकृत तत्व का अनुसंधान करने में असमर्थ होकर ऐसा संदेह कर सकते हैं कि हास्य विस्मय उत्साह को मंगलमय रस के अंतर्गत लिया जा सकता है। कहते कोई कोई व्यक्ति रस तत्व के अप्राकृत रस तत्व के अप्राकृतत्व का अनुसंधान करने में असमर्थ होकर ऐसा संदेह कर सकते हैं कि हास्य विस्मय और उत्साह को मंगलमय रसों के अंतर्गत लिया जा सकता है, किंतु शोक क्रोध भय घृणा ये चारों किसी प्रकार अमृत स्वरूप अशोक स्वरूप अभय स्वरूप अक्षोभ स्वरूप रस के अंतर्गत स्थिति प्राप्त कैसे कर सकते हैं। आशंका यह होती है कि उन्हें स्थान देकर रस को क्या प्राकृत जड़मय तो नहीं बनाया जा रहा है। उसका उत्तर यही है कि परमानंद में अप्राकृत रस तत्व में वैचित्र्य होने पर ये सभी प्रक्रियाएं आनंद मूलक हैं, जड़ दुख मूलक नहीं। महाशक्ति विलासात्मा भावो अचिंत्य स्वरूप भाक रत्याख्य इत्यम युक्तो नहीं तर्केन बाधितुम भारताद्योक्तिरेषा ही प्राक्तेन प्राक्तन रेप्य उदाहरिता। लीजिए ये कहते हैं कुछ लोग शोक को क्रोध को भय को और घृणा को अमृत रस के स्वरूप में नहीं लेते, मतलब दास्य साख्य वात्सल्य ये अमृत रस है और इसके साथ में हास्य रस जो हंसाने वाला है, विस्मय उत्साह इनको तो अमृत स्वरूप से ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं इनके अलावा जो शोक है क्रोध है भय है घृणा है ये अमृत नहीं है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन क्या ये सही है? देखिए इससे पहले मैंने ये पढ़ा नहीं, लेकिन इससे पहले ही इसका अर्थ प्रकाशित हो गया था। अब उसको भक्तिविनोद ठाकुर जी अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मेरे को पुष्टि हो रही है। कहते क्या ये वास्तविकता में ऐसे ही है कि मूल रसों के साथ ये नहीं जाते? कहते ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ जगत में जिस शोक क्रोध लय और जुगुप्सा की निंदा की गई है वे कहां से प्रकट हुए हैं? जड़ जगत की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह चित जगत का हेय प्रतिफलन मात्र है। मतलब अमृतत्व में अमरता में चिन्मयता में ये शोक क्रोध इत्यादि कहां से हो सकता है? नहीं हो सकता। कहते फिर ये आया कहां से, संसार में कहां से आया? अगर ये हो नहीं सकता, इसका मूल रूप से कहीं नहीं है, तो फिर ये कहां से आया? कहते ये उस जगत का छाया स्वरूप है। क्या? ये जगत छाया स्वरूप है, इसीलिए यहां पे जो दिखलाई देता है हे दिखलाई देता ना ना ये सब काम क्रोध लोभ मोह ये सब बीच में नहीं होना चाहिए, ये सब भजन में बाधा है। काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य ये सब सबको भगाओ हटाओ, जब ये रहेगा भजन नहीं होगा। और वैष्णव क्या बोलते? काम नहीं होगा, काम कृष्ण कर्म अर्पणे क्रोध भक्त देश जने लोभ साधु संगे हरी कथा, ये सारे का सारा नहीं होगा। काम भक्त मतलब इच्छा ही नहीं होगी भगवान की सेवा की, तो क्या सेवा करोगे? क्रोध अगर अपनी इंद्रियां सेवा में नहीं लगती हैं, क्रोध ही नहीं करोगे, अपने पे शासन ही नहीं करोगे, इंद्रियां जो करती उधर ही सुन रहे हो?
इंद्रियां जो करती हैं उन्हीं की तरफ दौड़ोगे तो कैसे चलेगा, साधना होगी नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं इस संसार में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो निंदित निंदनीय है वास्तविकता में, वो उस जगत का सुंदर जो स्वरूप है उसका प्रतिफलन है, उसका विपरीत प्रतिफलन है, उसका हेय प्रतिफलन है। जैसे एक व्यक्ति चल रहा है लेकिन उसकी छाया, उस छाया के अंदर कुछ दिखता है, मेरे हाथ की रेखाएं दिख रही हैं छाया में, वो उसका हेय प्रतिफलन है। अगर कोई व्यक्ति छाया को ही व्यक्ति मान लेगा तो वो मूर्ख है। इसी प्रकार से ये जो क्रोध इत्यादि जो भाव हैं ये इस जगत में जो दिखलाई दे रहे हैं उस मधुर जगत का, उस प्रेममय जगत का, उस प्रेममय क्रोध का विपरीत फलन है। कि यहाँ क्रोध होता है जब अपने अंदर वासना होती है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशना महापापमा विद्धि एनम्यन। ये काम से उत्पन्न क्रोध जो है, वासना से उत्पन्न क्रोध जो है, वासना में बाधा पड़ने से उत्पन्न क्रोध जो है, वह और मधुर प्रेम में जो क्रोध है वह दोनों में अंतर है। मधुर प्रेम में क्रोध कैसा होता है, वासना से उत्पन्न क्रोध कैसा होता है, मधुर प्रेम में जो क्रोध होता है बड़ा दिव्य होता है। कैसे होता है, लाला तू खा ले देख ले, मैं नहीं तो मैं मारूंगी तो मैं। सुख देने के लिए क्रोध किया जा रहा है, वो लेना नहीं चाह रहा तो जबरदस्ती, मैया जैसी अपनी मां होती ना, बच्चा खा नहीं रहा, नहीं खा रहा देख ले मैं बात नहीं करूंगी तेरे से। ये जो क्रोध है वे सभी ही यहां अमंगल रूप से प्रतिफलित हो रहे हैं। जो जो धर्म वहां आश्रय रूप से नित्य मंगल विधान कर रहा है उस धर्म का प्रतिफलन यहां पुण्य रूप से परिज्ञात हो रहा है। वह जो जो धर्म अर्थात जो जो स्वभाव भगवान के धाम में आश्रय रूप में नित्य मंगल विधान कर रहा है, नित्य मंगल विधान मतलब वहां भक्तों का आनंद वर्धन कर रहा है, मंगल विधान कर रहा है, वो धर्म, वो स्वभाव यहां पर पुण्य के रूप में परिज्ञात है, पुण्य के रूप में जाना जाता है। आगे का कल कुछ श्रवण करेंगे। वंश वैष्णव।